कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी ठीक हूँ। आप यहाँ भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपनी नेक दुआ में हमेशा मुझे याद रखे। और इसी नेक दुआ के साथ याद कब लगा करती हूँ शुरू। तो जी ये बाया वगैरह मास्क देख रहे हैं मैंने क्यों लगाया। तो जी मैं जा रही हूँ नदीम साहब के साथ बाजार। मैंने कुछ घर की चीजें नहीं थी तो वो मैं लेने जा रही हूँ। तो लेके आती हूँ और आप सबके साथ शेयर करती हूँ। आपने रहना है जी मेरे साथ। तो नदीम साहब नीचे वेट कर रहे हैं मेरा। तो मैं जी जा रही हूँ। हाय, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और जी आज मैं अपनी मैडम को लेके दिया जी आलू में थी। अभी मैं थक के आई हूँ बाजार से। तो जय जनाब जी ले आए जी आलू। मुझे क्या पता था जो थके हुए हैं आप। और आई लव यू आपके लिए। आपके लिए मैंने ये देखे कली गुलाब की तोड़ के लेके आया हूँ बाग से। ध्यान से कांटे हैं इसके साथ, ठीक है जी। ये आपके लिए मैं गजरे भी लेके आया हूँ। आप आलू मेथी पकाए उसके बाद ये गजरे पहनेंगे आप। कमाल है, कमाल है, हो गया जी, कमाल हो गया जी। ये देखो जी कितने प्यारे हैं। ये जी मेरी एनिवर्सरी, हमारी शादी की एनिवर्सरी आ रही है, अभी आई नहीं है। तो इन्होंने पहले मुझे गिफ्ट कर दिया। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। प्यारे देखे सर, मुझे इन्होंने कैसे प्रेस कर दिया। आलू मेथी की मैं बात करने लगी थी तो उन्होंने आप गजरे देख मुझे खामोश करा दिया जी। भैया से भी होता है भाई। लेकिन ये आलू मेथी की इन्होंने मुझे ये सजा दी है। क्यों सजा दी है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी। कि इन्होंने मुझे करवाई है शॉपिंग, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सजा मुझे उस शॉपिंग की सजा मिली है। आलू मेथी सजा है जी। देखे आप कमिटमेंट, आप बताइए कि आलू मेथी सजा होती है। आपने जरूर कमिट करके बताना है। आपको पता मुझे तो ये तो सब्जी है, ये रोजाना जो सब्जी आदमी खाता है ना वो फिट रहता है और ठीक रहता है, सेहत भी उसकी ठीक रहती है। और जो ये चिकन वगैरह खाते हैं वो जो है ना नहीं बिलाल, वो तो कमजोरी होती है वजूद में भी जिसम में। और सब्जी के साथ एनर्जी आती है। चले जी, लेकिन मैं आज बहुत खुश हूँ इसलिए आपको मैं आलू मेथी बना के। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। गुलाब वेलकम, असली गुलाब है जी। माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो जी मैं दिखाती हूँ जो मेरे शोहर ने करवाई है ये शॉपिंग। मैं लेके आती हूँ। तो जी माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने इतनी देर के बाद ये रैश पूरी हुई है। तो क्या क्या ले गई है जी नदीम साहब ने, कुछ लोग वो भी बहुत है। तो मैंने कहा मुझे, तो जी मैंने कहा कि अपने बहन भाइयों से भी शेयर करती हूँ। मैंने क्या आज ले गई मुझे। तो माशाल्लाह से जी, सबसे पहले तो मैं दिखाती हूँ मैं जी आपको, सब कुछ दिखाऊंगी। तो जी सबसे पहले मैं दिखा दूंगी, ये है जी पतीला। जैसे कि आपको पता है जो मेरा पतीला था ना चावल बनाने वाला, तो उसमें सर्दी थी तो बच्चों ने पानी गर्म कर करके ना, तो वो ना जैसे वो ना लीक हो गया था। तो इस वजह से मैं काफी दिनों की कह रही थी, कभी किसी का मांग रही थी कभी किसी का। तो आज ने तीन साल का दिल दिया तो कहते चलो अब मैं आपको ले लेता हूँ। तो उन्होंने माशाल्लाह से जी, माशाल्लाह से तकरीबन इसमें जी 3 किलो चावल बन जाते हैं। मैंने कहा बड़ा ही सही है बेशक। मैं तो माशा से मुझे तो बहुत पसंद है। ये है जी पतीला और ये है जी इसका ढक्कन, ये इसके ऊपर लगेगा इस तरह। पैन मैं बाद में करूंगी। ये पतीला दे गई है तो माशाल्लाह से जी। ये है जी ये कढ़ाई, खोल के दिखाती हूँ। ये है जी ढक्कन कढ़ाई का।
सी बस पीर है। खैर मैंने मार नहीं करूंगी। और ये मैं ले गई हूं नॉन स्टिक छोटा नहीं है बहुत बड़ा देख दिया। इसमें कह रहे थे कि आप सालन भी बना सकती हो। मैं कि हाँ जरूर बनाऊंगी। तो एक और चीज ये ले गए चाय वाला डोंगा जिसके साथ चाय बनाते हैं जी। बेटी मेरी हंस गया कि बाबा क्या कपड़े बहन भाई को दिखाना चाहिए ना। खुशी मिलती है जब नई चीज ले गया तो खुश होता है बंदा। और एक मैं ये ले गया ये इसे क्या बोलते हैं करछी बोलते हैं शायद। आलू बाल के जो ऐसे ऐसे करते हैं ना ये वो है ना। फिर हंस रही हूँ मेरी बेटी को हंसी जा रही है। तो हाँ तो यही ऐसे ही होता है ना। इसके साथ आलू ही ऐसे करते हैं ना मैश करने वाला है ना वो है। तो माशाल्लाह से जी आज मैं बहुत खुश हूँ। और बात करिए क्या ले क्या जी मौसमी आपके लिए ले गया है। और वो जो है जिसकी जो मैं बोली थी ना सजा तो इस शॉपिंग की वो सजा दी गई मेरे शोहर ने कि आप मुझे आलू मेथी बना के दे। तो मैंने कहा जी लेकिन मुझे तो बना के मैंने जी घर में तो बहुत टेस्ट चलती है। आप तो कभी दाल खा लेते कभी वो खाते साग नहीं और मेथी नहीं और कड़ी नहीं खाते। हाँ जी बेटा जी वो बहुत मुश्किल बनती है उसका टाइम लगना पड़ता है। तो बाकी चीजें भी गोश्त वगैरह वो भी तो मुश्किल बनते हैं ना ये थोड़ा सा और मुश्किल हो गया तो क्या फर्क पड़ता है। तो जी ऐसे जी पैक करके रख लेती हूँ। तो आज मैं नई कढ़ाई में ही आलू मेथी बनाऊंगी और अपने शौक को पेश करूंगी। क्योंकि वो भी खुश हो जाए उन्होंने मुझे बारह इतने पैसे लगाए 10-12 हज़ार लगा दिए। तो मैंने फिर जाहिर मैं उनको एक मामूली सी आलू मेथी नहीं बना के खिला सकती। तो मैं फिर खुशियां बना लूंगी। बाबा जी शापिंग की है तो पापा ने आपको आलू मेथी की सजा दी है। मैंने बेटो को इस शापिंग के आगे ये सजा बहुत कम है जी। सही बोला ना मैंने आगे आगे कमेंट करके जरूर बताना। बाटा मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरे घर के बर्तन बन गए हैं। खुश तो नहीं है इसे पैक करके रख देते हैं जी। जब जरूरत पड़ेगी इन चीजों को फिर निकाल के इस्तेमाल किया करूंगी। आलू मेथी काट कर मैंने बना लिया बनाने लगी रोटी। गैस हमारी 2 दिन से नहीं गैस नहीं हमारी आ रही। तो सिलेंडर रोटी बना रही थी तो सिलेंडर खत्म हो गई फिर बर्बाद लाया दिन साहब। तो जी माशाल्लाह से मैंने अपनी नई कढ़ाई में जी आलू मेथी बनाई है देखें जरा। और नीचे से देखें जरा मेरी कढ़ाई सिलेंडर की वजह से काली हो गई। तो देख मेरी बेटी ने अभी देखे तो कहती मामा ओ। तो जी कोई बात नहीं जाहिर बात है ऐसा लगता है जैसे मैंने आग में खाना बनाया लेकिन बनाया मैंने सुना पता नहीं क्यों हमारा सुना नचरा दुआ देता है। तो जी बेटी मेरी ने इसलिए देकर बोला जी वो क्योंकि इसको दौड़ा पड़ना दौड़ने कहीं मामा जी इतनी खाली। तो ये वीडियो हमारी ब्लॉग मेरा बस इतना था। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दे जो मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें लाइक करें ज्यादा ज्यादा शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज। और बेटी मेरी ये कारोबार भाई इसलिए देख रही है कि इसे दौरा पड़ना है किस चीज का सब इतने हैरान हो गया कि ओ काली हो गई। तो आज लेके आए न्यू लेके आए ना इसलिए तो न्यू बर्तन काला नहीं होता बेचारी को भी थोड़ा सा रहने तो देते साफ।